आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगडी, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. दिल्ली प्रदूषण की राजधानी बन गई है. दिवाली पाड़वा के स्वागत के लिए शहर तैयार है. बसवन कुर्ची में आग लगने से 3 बकरियों की मौत हो गई. युवक की हत्या और पथराव से गोकाक में तनाव. राज्य के विकास को सरकार ही तोड़ दे. बिजगरनी के ग्रामीणों का कलेक्टर को बयान देने का निर्णय. सर्व लोक सेवा फाउंडेशन द्वारा सिंगिन कोप में मंदिर की साफ सफाई. सूर्य की किरणों ने अंबाबाई की मूर्ति के चरण स्पर्श किए. चलो इस्वागी के साथ कुछ मिठा बनाए जाए. अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध. वाचकांच्या अपेक्षा पूर्तीसाठी एक नवे पाऊल. ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज. सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ती. नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा. यह दिवाली अमर कौन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस. फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर. सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी. थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी. और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस. सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग. अमरकॉन, खड़ी बाजार, बेलगावी. अब समाचार विस्तार से. देश भर में दिवाली का जश्न चल रहा है. एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने देश में वायु प्रदूषण के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे में देखते हुए सीमित तरीके से पटाखे फोड़ने की इजाज़त दी दी थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए देश भर में पटाखे छोड़े गए. इसके चलते देश के 3 शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने गए हैं. इसमें देश की राजधानी दिल्ली पहले स्थान पर है. ये रिपोर्ट स्विस ग्रुप आईक्यू एयर ने दी है. दिवाली पाड़वा के स्वागत के लिए शहर तैयार है. 3.5 मुहूर्तों में से एक दिवाली पाड़वा के मद्देनजर शहर में तैयारियां जोरों पर है. सोमवार को बेलगाम शहर और उपनगरीय इलाकों में खरीदारी बुकिंग के लिए नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ी. कल मंगलवार दिवाली पाड़वा यानी बलि प्रतिपदा 14 तारीख को मनाई जाने वाली है. नई वस्तुएं खरीदकर एक अच्छी शुरुआत, ये हिंदू समाज में एक प्रथा है. इलेक्ट्रॉनिक्स, सोना चांदी, फर्नीचर, फ्लैट बुकिंग और दोपहिया चार पहिया वाहन, रेडीमेड कपड़े, साड़ी खरीदने के लिए शहर के विभिन्न कपड़ा दुकानों पर उपभोक्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी. बसवन कुर्ची में 3 बकरियां जलकर मर गई. बेलगाम सामरा रोड में से एक घर में अचानक आग लगने से घर को काफी नुकसान हुआ है और 3 बकरियों की मौत हो गई. सोमवार सुबह 9 बजे इसी बीच बसवन कुर्ची में घटना घटी है. गोकाक में युवक की हत्या और पत्थर फेंककर तनाव. पूर्व शत्रुता से गोकाक में युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या करने की घटना सामने आई है. इसके बाद तनाव का माहौल बन गया. युवक की हत्या के बाद प्रदर्शनकारियों द्वारा आरोपियों के घर पर पथराव किया गया. इस घटना के बाद जगह जगह तनाव का माहौल हो गया है. राज्य के विकास पर सरकार ने ही ब्रेक लगा दिया है. बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार बेलगाम सहित पूरे कर्नाटक के विकास पर ब्रेक लगा रही है. अभय पाटिल वार्ड नंबर 53 और 54 में साइकिल निरीक्षण यात्रा कर समस्याओं की समीक्षा की गई. इसके बाद बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद 6 महीने बाद भी विकास के लिए एक भी नया पैसा मंजूर नहीं किया गया है. बिजगरनी के ग्रामीणों का कलेक्टर को बयान देने का निर्णय. बिजगरनी में गैरन की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए सर्वेक्षण की मांग को लेकर कलेक्टर और तहसीलदार द्वारा गांव में मोर्चा निकालने के बाद आज गुरुवार 16 नवंबर को हुई ग्रामीणों की बैठक में यह निर्णय लिया गया. महालक्ष्मी यात्रा के उपलक्ष्य में आयोजित बैठक में गाराणा एवं ग्राम समिति के विस्तार पर चर्चा की गई. सर्व लोक सेवा फाउंडेशन द्वारा सिंगिन कोप में मंदिर की सफाई. सर्व लोक सेवा फाउंडेशन द्वारा दिवाली के अवसर पर सिंगिन कोप खानापुर में कलमेश्वर मंदिर क्षेत्र में भी साफ सफाई वृक्षारोपण किया गया. लक्ष्मी पूजा के अवसर पर कलमेश्वर मंदिर क्षेत्र की साफ सफाई की गई और मंदिर क्षेत्र में बेलपत्र के पौधे लगाए गए.
सूरज की किरणें अंबाबाई की मूर्ति के चरणों को छू गई। बादल छाए रहने के कारण पिछले 3 दिनों से सूर्य की किरणें प्रतिमा तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन कल रविवार शाम को सूर्य की किरणें अंबाबाई प्रतिमा के चरणों तक पहुंच गई। शाम 5:45 बजे चरण स्पर्श समारोह संपन्न हुआ। कोल्हापुर की श्री अंबाबाई का किरणोत्सव गुरुवार से शुरू हो गया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का, देखते रहे स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए BSC देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं, तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSC द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक कि होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। शुभ दीपावली के वस्त्र खरीदारी के लिए आराधना मारुति गली बेलगाम। यह दिवाली आराधना और आदर्श की धमाका ऑफर के साथ खास आपके लिए 1,000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज हुंडा शाइन मोटरसाइकिल, सेकंड प्राइज हुंडा डियो स्कूटर, तीसरा प्राइस 50 इंच LED TV और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 90 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट, ट्राउजर्स, टी शर्ट, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड मारुति गल्ली बेलगावी, आदर्श साड़ी ड्रेस मटेरियल रामदेव गल्ली बेलगावी, आदर्श ड्रेस सर्कल क्रिएशन फॉर लेडीज एंड किड्स खड़े बाजार बेलगावी, आदर्श रेडीमेड फॉर जेंट्स खड़े बाजार बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। रोटरी क्लब ऑफ मिडटाउन और बेलगाम ब्लड सेंटर के सौजन्य से गुरुवार को गोपटे टेक्निकल कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन GIT प्राचार्य MS पाटिल, डॉक्टर DB कुलकर्णी, बेलगाम ब्लड बैंक सेंटर के प्रदेश निदेशक गिरीश बुडारीगट्टी, रोटरी क्लब के अध्यक्ष विजय पूजार एवं सतीश नाइक ने किया। रोटरी क्लब ऑफ मिडटाउन की ओर से रोटरी अध्यक्ष सतीश नाइक ने धन्यवाद ज्ञापन किया। महामेला 4 दिसंबर को तय हुआ। कर्नाटक सरकार शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से भव्य सभा का आयोजन किया जा रहा है, साथ ही इस बारे में जल्द ही जन जागरूकता भी फैलाई जाएगी। पुलिस ने शहर के 7 लॉज का निरीक्षण किया। दिवाली त्यौहार और आने वाले महीनों में होने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर पुलिस एहतियात बरत रही है। इसका हिस्सा संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करना और शहर में लॉज का औचक दौरा करना है। पूरे दिन शनिवार पुलिस ने शहर के 7 लॉज का दौरा किया। दिवाली के बाद ADGP का बेलगाम दौरा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिवाली के बाद चंद्रशेखर बेलगाम जाएंगे। इसी पृष्ठभूमि में शहर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस बार जिले में पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक हुई। मतदाता पंजीकरण के लिए नगर निगम का अभियान। युवा मतदाताओं का पंजीकरण कराना नगर निगम की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए कॉलेज में मतदाताओं को जागरूक करने के साथ ही घर घर जाकर पंजीकरण कराने की अपील की जा रही है। इसके लिए नगर निगम पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान। खनगांव के महात्मा ज्योतिबा फुले फाउंडेशन की ओर से शनिवार को मेधावी छात्र छात्राओं का अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस वक्त महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेपालकर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थी। उन्होंने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन किया।
छावनी कर्मचारियों को उनका बकाया मिल गया। छावनी परिषद की संविदा कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए दिवाली मीठी रही है। दो महीने से वेतन और पेंशन का इंतजार कर रहे इन कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन राशि दिवाली से पहले उनके खाते में जमा हो गई है। सितंबर और अक्टूबर दो माह का वेतन नहीं मिलने के कारण छावनी के 50 से अधिक संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल का नोटिस दिया था। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।